साहिबगंज जिले में चोरी के मोबाइल बेचने का गोरख धंधा सालों से चला आ रहा है। पुलिस प्रशासन के लाख कोशिश के बावजूद भी इस धंधे पर लगाम नहीं लगा पा रही। बता दें कि बुधवार को एक बार फिर तिनपाड़ा थाना की पुलिस ने 60 पीस चोरी के मोबाइल के साथ एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। जांच के क्रम में मालूम हुआ कि सभी मोबाइल चोरी का है। गिरफ्तार युवक ने बताया कि सभी मोबाइल बाहर से चोरी कर लाया गया था। मोबाइल को पश्चिम बंगाल के मालदा कलियाचक फरक्का व आसनसोल में बेचने की योजना थी। मोबाइल की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए लगभग बताई जा रही है। यह जानकारी SDPO अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि तिनपाड़ बाजार में वाहन जांच के क्रम में संदेह के आधार पर उक्त युवक को काले रंग के एक बैग के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक बाबूपुर गाँव का गौतम कुमार महतो है। इधर पुलिस जब्त मोबाइल के IMEI नंबर से उसके धारक तक पहुंचाने का प्रयास कर रही। पुलिस मोबाइल चोर गिरोह के रैकेट को खंगालने का प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी तिनपाड़ द्वारा एंटी चेकिंग क्राइम की जा रही थी। इसी दरमियान तिनपाड़ बाजार से एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया। पुलिस बल को देख इसे पुलिस बल के सहयोग से इनके द्वारा पकड़ा गया और जब तलाशी ली गई इनकी बैग की, जिसमें 60 स्मार्टफोन बरामद हुए। कोई कागजात उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि चोरी का मोबाइल है। सारा मोबाइल जहाँ से घर में पाया जा रहा कि चोरी का है, और एक गिरोह है जिस गिरोह के द्वारा इस घटना का अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है और इस कांड में और जितने भी लोग सम्मिलित हैं सभी के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। सर, ये मोबाइल को कहाँ लेके जा रहा था? सर, कलियाचक ले जाता है बेचने के लिए। कलियाचक पश्चिम बंगाल, वहीं बेचने के लिए ले जा रहा है। सर, ये मोबाइल की जो है अनुमानित कीमत लगभग कितनी होगी? 10,000 के 60 में मत समझिए, 60 है तो 6 लाख हुआ। 6 लाख के करीब। ठीक है सर।